बैठे हैं और पुलिस की पाठशाला में आप बैठे हैं। तो आप सभी का पुलिस की पाठशाला में स्वागत है। और यह पाठशाला खास तौर पर आप लोगों के लिए ही आयोजित की गई है। वैसे तो आप लोग डेली स्कूल आते होंगे, लेकिन आज मेरा आग्रह है आप सभी से कि आप जब अपने घर जाएं तो अपने पेरेंट्स को, अपने अगल बगल दोस्तों को, अपने अगल बगल जो अंकल आंटी या जो भी रहते हैं उन सबको जो आज यहाँ से सीख कर जा रहे हैं उसके बारे में जरूर बताएं। सबसे पहले आप बताइए कि एक आंटी आई थी अर्षा आंटी, जिन्होंने 181 के बारे में बताया, जिसका यूज क्या है कि अगर कोई महिला, कोई बच्ची कोई परेशानी में और उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है तो या तो वो पुलिस के पास जाए या फिर सीधे फोन घुमाएं और 18 नंबर डायल करें और अपनी समस्या का निराकरण कराएं। तो आज बच्चों इस पुलिस की पाठशाला में मैं बहुत छोटे छोटे टिप्स आपको देने जा रही हूँ, जो कि आप सभी ध्यान से सुने। और मुझे उम्मीद है कि ताउम्र जब तक आप बड़े होंगे, अपना करियर बनाएंगे और नौकरी में जाएंगे तो जरूर आपके लिए हमेशा यूजफुल होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी के पास अपना पर्सनल फोन होगा, अगर नहीं है तो फोन जरूर यूज करते होंगे, अपने बड़े भाई का लेकर के, मम्मी का लेकर के या घर में किसी का लेकर के फोन जरूर यूज कर रहे होंगे। जब कोविड काल था, जब घर से ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तब आप सब डिजिटल सिग्नेचर, आप लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल फुटप्रिंट। तो बच्चों आप में से किसी ने डिजिटल फुटप्रिंट का नाम सुना है? किसी ने सुना है? अच्छा, पीछे से बता रहे उन्होंने सुना है। तो बाकी को मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि हम लोग क्या सोचते हैं, एक एग्जाम्पल दो, जैसे कि आपके क्लास में या कहीं अगल बगल कोई लड़की है, आप उसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, कहीं से उसका फोन नंबर हासिल कर लेते हैं, फिर उसे बार बार मिस कॉल करेंगे या फोन करेंगे, वो लड़की मना कर देगी मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, लेकिन फिर भी मानेंगे नहीं, उसको फोन करेंगे बार बार, ठीक है, या उसका ईमेल एड्रेस मिल जाएगा तो मेल करेंगे, बार बार उसको कुछ ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस करेंगे, और फिर जब सोचेंगे कि लड़की घर में शिकायत कर देगी तो आप क्या करेंगे, चुपके से सारे मैसेजेस डिलीट कर देंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि जब आप डिलीट कर देते हैं तो केवल अपने फोन से डिलीट करते हैं, जो सर्वर होता है ना, हर एक कंपनी का एक सर्वर होता है जो कि अमेरिका में होता है ज़्यादातर या इंडिया के किसी पार्ट में होता है, उस सर्वर में वो मैसेजेस, वो डेटा सारा परमानेंट रहता है। तो ये हमेशा आप ये सोचिए, फिर वो अगर मान लीजिए उस बच्ची ने, उस लड़की ने कहीं शिकायत करी, पुलिस में शिकायत करी, तो पुलिस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि वो डिजिटल आपका जो फुटप्रिंट है वो आपने करो बेटा। मेरा प्रश्न ये है कि हम आमतौर पर चौराहों पर ट्रैफिक से जूझते हैं जबकि पुलिस वहीं खड़ी होकर मोबाइल चला रही होती है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे मुख्य मुख्य चौराहे होते हैं वहाँ पर ज्यादातर जगह लखनऊ में ऑटोमेटिक सिग्नल लगे हुए हैं जो कि ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट सिग्नल होते हैं, तो कई बार इसलिए भी ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है या स्लो हो जाता है क्योंकि अगर रेड लाइट है और कई बार काफ़ी लंबी लंबी, कई 30-30 सेकंड की, 40 सेकंड, 45 सेकंड तक रेड लाइट रहती है, पीक आवर्स में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एक तो ट्रैफिक कंजेशन का ये कारण रहता है। दूसरा आपने कहा कि बहुत बार, कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस के जो वहाँ पर ड्यूटीरत लोग हैं वो मोबाइल चलाते रहते हैं, तो देखिए ऐसा है कि ये कई बार ऐसा होता है कि हमारे चौराहे पे 3 से 4 लोग ड्यूटी पे रहते हैं, तो उनमें से 1 लोग रेस्ट पे रहते हैं और 2-3 लोग जो है वो ड्यूटी पर करते हैं, क्योंकि लगातार ड्यूटी करना संभव नहीं होता है, तो बारी बारी से लोग करते हैं, तो मे भी आपने उनको देखा हो जो उस समय रेस्ट पे और फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पास रहने वालों को, अपने साथ रहने वालों को कैसे उनको बचा सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, हम जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम ही विक्टिम हो, बट हमारे आसपास भी कई सारे विक्टिम हो सकते हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट में, हमें नहीं पता कि वो एक्चुअली किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, बट अगर हम अपने नॉलेज किसी से शेयर करते हैं तो उनको भी पता चलता है, उनको भी एक तरीके से करेज मिलता है। तो आज हम अपने ये सीखा कि हमें अपने पास कई चीज़ें, जैसे कि कई हेल्पलाइन नंबर्स और कई तरीके से बचने की टिप्स, तो हम लोग अगर उसको शेयर करेंगे तो कैसे अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए एक हेल्पफुल सिटीजन। उत्तर प्रदेश सरकार को ये निर्देशित किया गया कि हर वाले स्टॉप सेंटर में एक महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी होनी चाहिए, जिससे कि महिला को किसी भी तरीके की कोई पुलिस सहायता है, यानी कि हम रेस्क्यू करते हैं तो हमारी टीम और पुलिस की टीम, वो एक टीम है, वो अलग।
साथ हम काम करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। महिला का मुकदमा पंजीकृत कराना है FIR, तो उसे थाने बहुत जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस स्टॉप सेंटर से ऑनलाइन हम मुकदमा भेजते हैं जो संबंधित थाने से पंजीकृत होकर क्यू मेल के जरिए बनाया जाए, जो एक ही छत के नीचे वो सारी सुविधाएं उन बच्चियों को, उन महिलाओं को मिले जिससे वो परेशान है, हिंसा ग्रसित है। जैसे कि कोई बच्ची हमें, हमारा जो टोल फ्री नंबर है, जरूरी नहीं आप हम तक पहुंच सके, तो जैसे 112 है कि आप 112 डायल करते हैं ना, वैसे ही 111 है हमारा टोल फ्री नंबर है, वो वीमेन हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी बच्चा, कोई भी एडल्ट, कोई भी वृद्ध, किसी भी टाइप का केस हो, हाँ वो महिला और बच्चों से संबंधित हो, आपको कोई महिला या कोई बच्ची सड़क पे लावारिस दिख रही है, आपको ये लग रहा है कि ये हमारी बहन है या हमारी दोस्त है या हमारी क्लासमेट है या हमारी पड़ोसी है, सड़क पे जा रही है, इसको कुछ लड़के टेम्पो स्टैंड है, बस स्टैंड है या कहीं पे भी आते जाते उनके साथ ऐसी स्टॉकिंग जैसी चीजें कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे जिसपे वो आंसर नहीं दे पा रही। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।